हेलो बच्चों, सम और विषम संख्याओं के पैटर्न। इन संख्याओं में से आधी संख्याएं पीले रंग के खानों में हैं। इन संख्याओं में तुम्हें कैसा पैटर्न दिख रहा है? इसे पैटर्न को आगे बढ़ाओ और खाली जगह भरो। अब यहाँ पे हमें जो बॉक्स दिया गया है उसके अंदर आपको 1 से लेके 100 तक के नंबर दिए गए हैं और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 96 और यहाँ पर लिखा है 98, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है? तो एक एक अंक का गैप है, तो हमें भी यहाँ पर 98 के बाद एक अंक का गैप करके लिखेंगे यहाँ पर 100। वापस 101 को गैप करना है 102, 103 को गैप करना है 104, 105 को गैप करेंगे 106। इस पैटर्न को कहाँ तक आगे बढ़ा सकते हो? आप अनंत तक आगे बढ़ा सकते हो। इन संख्याओं का एक खास नाम है, इन्हें सम संख्या कहते हैं। अब इसे सम संख्या है इसे कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर संख्या में जो आखिरी अंक है, अंत वाला अंक है, उसके अंदर हमें 6 8 0 2 4 6 8 0 2 ऐसा, यानी कि हमें ये याद रखना है कि जिस अंक में आखिरी अंक, जैसे कि आता है 2 4 6 8 और 0, जिस संख्या का आखिरी अंक 2 4 6 8 0 होता है उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या की अगर कोई व्याख्या पूछता है तो हम ये बोल सकते हैं कि जिस अंक का आखिरी वाला अंक 2 4 6 8 और 0 आता है उसको क्या बोला जाएगा? सम संख्या। क्या इन संख्याओं में कोई ऐसी संख्या है जिसका अंक 3 या 5 से होता है? तो सम संख्याओं के आखिरी अंक क्या क्या होते हैं? तो हमने अभी सीखा कि 2 4 6 8 और 0, तो वो है हमारी सम संख्या। नीले रंग की संख्याओं के पैटर्न देखो, पैटर्न को आगे बढ़ाओ और खाली जगह भरो। तो अब यहाँ पर इस जो बॉक्स के अंदर हमें दिया गया है उसमें जो नीले रंग यानी कि आसमानी रंग के जो पट्टी दी गई है उसके अंदर जो संख्या है उसे हमें आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर उसके आधारित हमें यहाँ पर बनाना है। तो जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ये जो है संख्या 99 101, उसमें भी एक एक अंक का गैप है। अब यहाँ देखेंगे 101 के बाद हमें एक अंक का गैप करेंगे तो यहाँ पर आएगी संख्या हमारी 103, 105 है, 107, फिर 109, 110 को गैप करेंगे तो आएगा जवाब हमारा 111, फिर आगे जाएंगे तो हमारा जवाब आएगा 113। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि नीले रंग की संख्याओं के आखिरी अंक क्या क्या हैं। तो हम यहाँ देखेंगे बॉक्स के अंदर हर नीली पट्टी के आखिरी अंक देखेंगे तो हमें, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको दिख रहा है नीले पट्टी 1, यहाँ पर दिख रहा है 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 और यहाँ पर है 9। तो नीले रंग की संख्याओं के आखिरी अंक है 1 3 5 7 और 9। तो यहाँ पर हम जवाब लिख सकते हैं कि अंक नीले रंग की संख्याओं के आखिरी अंक क्या क्या है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1 3 5 7 और 9। आगे जाएंगे, वे सभी संख्याएं जिनका आखिरी अंक 1 3 5 7 या 9 होता है वे विषम संख्या है। अभी तक हमने सम संख्या जाना कि जिसमें 0 2 4 6 8 होते हैं वो सम संख्या है। उसी तरीके से जिस अंक का आखिरी अंक, जिस संख्या का आखिरी अंक 1 3 5 7 या 9 होता है उसे हम क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। 400 और 410 के बीच की सभी विषम संख्याओं लिखो। अब यहाँ देखिए विषम संख्या यानी कि जिस संख्या का आखिरी अंक क्या होना चाहिए, हमने ऊपर देखा कि 1
हमने ऊपर देखा है 1, 3, 5, 7 और 9 आता है, तो वो क्या है, विषम संख्या है। तो अब हमें क्या करना है, 400 से लेकर 410 के बीच लिखना है, तो हम लिख सकेंगे 401, 403, 405, 407 और अंत में आएगा 409। तो ये हुई हमारी 410 से लेकर सॉरी 400 से लेकर 410 तक की विषम संख्या। दूसरा सवाल है, कि 155 और 165 के बीच के सभी सम संख्या। अभी सम संख्या में कौन कौन से अंक आते हैं, तो वो देखिए कि 0, 2, 4, 6, 8 ये हमारे सम संख्याओं के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 155 से लेकर हम लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 156, 158, 160, 162, 164 ये हमारी सम संख्या हुई। अगर हम किसी भी विषम संख्या में एक जोड़ते हैं तो हमें एक क्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी। अगर विषम संख्या जैसे कि एक विषम संख्या है उसमें एक कर देंगे तो हमारा जवाब जैसे कि 2 आता है, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर सम संख्या मिलेगी। अगर हम किसी भी सम संख्या में एक जोड़ते हैं तो हमें एक विषम संख्या मिलेगी। किसी भी विषम संख्या में जब तुम एक सम संख्या जोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, किसी भी विषम संख्या में जब तुम एक सम संख्या जोड़ोगे तो क्या मिलेगा। जैसे कि विषम संख्या हमारी एक होती है, उसमें सम संख्या यानी कि 2 जोड़ते हो तो उसे क्या मिलता है, हमें विषम संख्या मिलेगी। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।